पिछले साल की तरह इस साल भी सेमिनार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे हम हम बच्चों से हम बच्चों से कोई भी चार्ज इस सेमिनार का नहीं कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बोला था बच्चे पूछ रहे थे रजिस्ट्रेशन फ्री है बिल्कुल फ्री है कहाँ का सेमिनार करने वाले गूगल डॉक्स फॉर्म दिया हुआ है फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल ओर्जल दामेट और आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग जितने भी आपके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के सर कट ऑफ और उनका फी स्ट्रक्चर के ऊपर एक वीडियो बनाइए आप लोग प्लेसमेंट के ऊपर बात नहीं करते हैं तो आज हम लोग बात करेंगे जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जितने बच्चों का नाइन्टी के अंदर परसेंटाइल आ रहा है या फिर एट्टी से बिलो अगर परसेंटाइल हो जाता है जी में के फर्स्ट फेज का एग्जाम हो चुका है आंसर की आ चुकी है और रिजल्ट एक दो दिन में डिक्लेयर हो जाएगा आज की वीडियो में बात करते हैं हम लोग इंडिया के जितने भी टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ पे आपका 75 फाइव परसेंट क्रेडिट अगर आपका नहीं भी अगर 75 फाइव ट्वेल्थ में आता है हालांकि इस पर भी विचार चल रहा है 75 फाइव अगर ट्वेल्थ में नहीं भी है आप यहां पे एडमिशन ले सकते हैं लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो एक बात और बोल हूँ अगर फैमिली अफोर्ड करती मैंने पहले ही बोला था एक रोड मैप रोडमेप वीडियो बहुत जल्दी मैं आपको देने वाला हूँ किसी की एप्लीकेशन फॉर्म की फीस दो है किसी की एप्लीकेशन की फॉर्म फीस जो है वो ढाई हजार है किसी की, की फीस पंद्रह है बहुत सारे बच्चे अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो आ रहे हैं वो काफी सारे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दिए हैं तो अपलीकेशन फॉर्म आप तभी फिल करें जब आप उस कॉलेज की फीस को अफोर्ड कर सकते हो या फैमिली अफोर्ड कर सकती है और आप एवरेज पैकेज देखकर कि आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि भाई जैसे मैं आप कहीं पे बीस लाख रुपए मेरी फैमिली अगर खर्चा कर रही है और मुझे एवरेज पैकेज अगर वहां पे चार से पांच लाख मिल रहा है तो यह बहुत अच्छी बात नहीं होती है लेकिन इसमें यह है कि आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से चार से पांच लाख के पैकेज को एक साल के अंदर मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे हैं तीन लाख के पैकेज से स्टार्ट करते हैं और एक साल के अंदर अंदर वो दो साल के अंदर अंदर यही पैकेज वो आठ से दस लाख का पैकेज दस से दस से बारह लाख का पैकेज या फिर आठ से दस लाख का पैकेज वो कर लेते हैं इवन कई सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि उन्होंने थ्री पॉइंट फाइव के पैकेज से स्टार्ट किया और दो साल के अंदर अंदर, अंदर वो तीस पैंतीस लाख के पैकेज में पहुंच गए हैं इस पहले हमारा जो प्राइवेट में सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है वो है हमारे थापर यूनिवर्सिटी थोड़ा महंगा कॉलेज है और 23 लाख ,00 के आसपास यहाँ पे आपका जो है फीस इसका रहता है सभी को पता है इसके बारे में हाईएस्ट पैकेज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एवरेज पैकेज की तो जितने भी बच्चे हैं जो प्राइवेट में जाना चाहते हैं या फिर कई सारे बच्चे फैमिली को भी फोर्स करते हैं कि हमें प्राइवेट में ही पढ़ना है अगर फैमिली का बजट ये आपका है इस तरीके से जा रहा है तब तो आप इस कॉलेज में जाएं पर ये एवरेज पैकेज आपका ये रहता है इसमें और उसके बाद फिर आप देख लीजिए दूसरा कॉलेज हमारा वन ऑफ द मोस्ट रेप कॉलेज माना जाता है राजस्थान के अंदर एल टी जयपुर ये थोड़ा एक्सेप्शनल कॉलेज है यहाँ पे क्या होता है फीस स्ट्रक्चर आपका लगभग दस से बारह लाख के आसपास है ये आपका दस से बारह लाख फीस रहता है आपका चार साल का लेकिन एडमिशन का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे आपका जेईमीएस की रैंक से भी एडमिशन होगा और उसके बाद आपका ट्वेल्थ की परसेंटेज से भी यहाँ पे एडमिशन हो जाता है इसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स मुझे पिछले साल बता रहे थे कि यहाँ पे मैनेजमेंट कोटे का भी सिस्टम चलता है आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है अगर आपका सेवेंटी परसेंटाइल तक भी आ रहा है सेवेंटी परसेंटाइल अगर बच्चों आपका आ रहा है मतलब मान के चलो लगभग ढाई लाख से तीन लाख के बीच में अगर आपकी रैंक आ रही है साढ़े लाख तक भी रैंक जा रही है तब भी यहाँ पे स्पॉट राउंड में आपको एडमिशन मिल जाता है बादवरी ब्रांचेज में ठीक है लेकिन यहां पे क्या है यहां पे अगर आप किसी बच्चे का 93 परसेंटाइल या 92 परसेंटाइल से अंदर जा रहा है मान लीजिए किसी बच्चे का 93, 92 परसेंटाइल जा रहा है तो वो इसका फॉर्म ना भरे जयपुर का फॉर्म आ जाएगा रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद शायद उम्मीद करते हैं इसका फॉर्म आप बिल्कुल मत भरिए फीस स्ट्रक्चर लगभग दस से बारह लाख के आसपास रहता है और एवरेज पैकेज हम लोग बात करें तो इसका एवरेज पैकेज आराम से दस से बारह इसका एवरेज पैकेज भी रहता है इस कॉलेज का अब बात करते हैं हम लोग मणिपाल मणिपाल हम मेन कैंपस की बात कर रहे हैं ठीक है उसके बाद मणिपाल जयपुर या फिर मणिपाल जो आपके दूसरे कैंपस मणिपाल के हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं तो मणिपाल आपका इस कैंपस का देखिए फीस का जो देखेंगे वो छब्बीस लाख और 26 लाख के बाद अगर एवरेज पैकेज देखेंगे तो साढ़े सात लाख कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं अगर आप एक डिजर्विंग स्टूडेंट हैं आपके अंदर अगर, अगर पोटेंशियल है तो आप इस पैकेज को और ऊपर लेकर के जा सकते हैं क्योंकि मणिपाल का टैग काफी अच्छा है और इस टैग के साथ में आपको इंडस्ट्री में जॉब मिलने में दिक्कत नहीं होती है या फिर आप जब प्रमोशन वगैरह आपका होता है तो आपके पास अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप इस पैकेज को और ऊपर लेकर के जा सकते हो तो यह एवरेज पैकेज फिलहाल यही रहता है एडमिशन की अगर बात करें मणिपाल का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है वी आई वेल्लोर की हम लोग बात कर लेते हैं आई टी में देखिए वी का जो अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है इनका क्राइटेरिया ये रहता है कि भाई अगर आपका रैंक 2000, 3000, 4000 तक आ रहा है एक रैंक का क्राइटेरिया बना रखा है तो फिर आपको कैटेगरी वन कैटेगरी टू में एडमिशन मिल जाएगा वी आई टी वेल्लोर वीआईटी चेन्नई वीआईटी अमरावती वीआईटी भोपाल तो जो बाद वाले कैंपस है उनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी बात कर रहे हैं केवल मेन कैंपस की ठीक है मेन कैंपस में, में तेरह से तीस लाख के बीच में देखिए फीस रहती है वही कैटेगरी वन में आपकी फीस जो है वो लगभग दो से ढाई लाख के आसपास रहेगी सवा दो लाख ढाई लाख के आसपास और कैटेगरी टू कैटेगरी थ्री कैटेगरी फोर कैटेगरी फाइव तक पहुंचते पहुंचते फीस तीस लाख हो जाती है मतलब पूरा बीटेक आपका जो है वो लगभग तेरह लाख से तीस लाख के बीच में ये होगा अब यहां पे क्या है आपने एंट्रेंस एग्जाम अगर दिया यहां पर जेईमीन से भी आपका एडमिशन हो जाएगा दूसरे वाले कैंपस जो है भोपाल है चेन्नई है इसके अलावा अगर आप एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो उनका एवरेज पैकेज जो है वो छह से सात लाख ही रहता है हाइस्ट पैकेज बहुत अच्छा चलता है कि पैकेज सब दिखाते हैं वेबसाइट पर भी आप देखेंगे तो फटाक से खुल के आ जाएगा चालीस लाख पचास लाख सत्तर लाख अस्सी लाख आप मैं मैं बोलता हूं कि बच्चों को एवरेज पैकेज देखना चाहिए चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में जा रहा हूँ एवरेज कॉलेज देख करके आप कॉलेज को ऑप्ट करिए प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी कॉलेज हो हाइट पैकेज आपको अट्रैक्ट जरूर करता है लेकिन ये रियलिटी होती है कि भाई आपको ये पैकेज मिलना ही मिलना है जैसे बिट्स प्लानिंग वगैरह में अगर एवरेज पैकेज की भी बात करेंगे पंद्रह से बीस के अंदर नहीं जाता है ट्रिपल ट्रपलाटी हैदराबाद वगैरह का देखेंगे वहाँ पे भी पंद्रह से बीस के अंदर नहीं जाता है धीरू भाई अंबान की बात करेंगे तो इनके एवरेज पैकेज कोई इनके एवरेज पैकेज वहाँ से स्टार्ट होते हैं जहाँ पर एक अच्छे कॉलेज का हाइस् पैकेज खत्म हो जाता है कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि भाई आप जहाँ भी एडमिशन ले रहे हैं चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ले रहे हो या फिर आप डायरेक्ट ले रहे हो या फिर आप जेईमएस के थ्रू जा रहे हो आपको कुल मिलाकर काफी सारी चीज़ों का बच्चों को ध्यान रखना है केवल आग बंद करके हाइस्ट पैकेज देखा फो लाख पचास लाख इस तरीके से एडमिशन नहीं लेना है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी देखो बाकी सब चीज़ें भी चेक करो और कुल मिलाकर फैमिली के बजट को ध्यान में रखते हुए आपको ऑप्ट करना है क्योंकि चार साल जब आप बी करोगे चार साल बी के अलावा भी बहुत सारी आगे चीजें होती हैं बहुत सारी चीज़ें करने को पड़ी हुई हैं एम के लिए आप गेट का एग्जाम दे सकते हो इसके अलावा इंटर्नशिप

कॉमेट पे, पे पूरा वीडियो भी हमने दे रखा है और के का जो कट ऑफ है जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी हमने लास्ट वीडियो में पिछले साल बताया था एक बार फिर से हम आपको पूरा कॉमेट के का जब आपका फॉर्म आ जाएगा तो हम पूरी चीज़ें सारी हम आप उसको आपको बता देंगे और बताने के बाद उसमें आपको जो प्लेसमेंट वगैरह रहता है वो भी हम सब बताएंगे हम आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज की जो फीस है वो लगभग उन्नीस लाख के आसपास रहती है उन्नीस लाख के साथ में अगर एवरेज पैकेज देखेंगे तो सात से आठ लाख देखिए एवरेज पैकेज यहाँ भी सात से आठ लाख ही रहता है ठीक है अब बात कर लेते हैं यहाँ पे यूएस आई डेली की बात कर लेते हैं ये हमारा आईपीओ ऊ जो, जो हमारी आईपीओ की काउंसलिंग होती है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की उसका मेन कैंपस है इसके वाला दूसरा कैंपस हमारा जो इसका वो यूएसएआर है हमारा वहाँ पे भारतीय विद्यापीठ है उसके बाद गुरु तेग बहादुर है महाराजा अग्रसेन है महाराजा सूरजमल सब कॉलेज वहाँ पे आपको मिल जाएंगे आई काउंसलिंग से ये जे एमएस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं काउंसलिंग इनकी अलग होती है यहाँ पे बहुत अच्छी रैंक पर ये फिल हो जाता है हमें मुझे लगता है लगभग चालीस से पचास हजार रैंक के बाद ये आपको नहीं मिलेगा जो ब्रांचेस बाद में है सी वगैरह इसकी बहुत जल्दी भर जाती है बीस पच्चीस हज़ार पे फीस की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे चार लाख हमारी फीस है सस्ता कॉलेज है मतलब बहुत ही कम फीस है यहाँ पे और अगर प्लेसमेंट देखेंगे तो आपका ये हो गया पाँच से छः लाख इसको बोलते हैं बेस्ट आरओआई ये आपका एक बेस्ट आरओआई वाला कॉलेज देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ये आईपीओ की काउंसलिंग से आपको मिलेगा बहुत सारे बच्चे एनआईटी छोड़ करके भी यहां पे चले जाते हैं क्योंकि रीजन की वजह से में तो काफी सारे एक्सपोजर यहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं जेपी नोएडा जेपी नोएडा हमारा वन ऑफ द मोस्ट रेपेड कॉलेज है और इसका दूसरे कैंपस जो है अनूप सर गुना उसके बाद आपका एक वाला दूसरा कैंपस इसका है उसके बाद हमारा सोलन में इसका कैंपस हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है दस से बारह लाख इसकी फीस रहती है जेईमेंस की रैंक को एक्सेप्ट करता है उसके अलावा आप जेईमेंस यहाँ पे टेन प्लस टू में भी एडमिशन हो जाता है और जेईईम्स की रैंक से भी एडमिशन हो जाएगा कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अगर रैंक तीन से चार लाख भी जा रही तब भी एडमिशन आपका यहाँ पे मतलब सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट भी अगर आता है तो एडमिशन आपका यहाँ पे हो जाएगा और 10 से 12 लाख के बजट में आपका बी टैक यहाँ से हो जाएगा

लेकिन आपको एवरेज पैकेज का ध्यान में रखना है जाके वहां पे आपको फीस सबमिट करके फाइनल एडमिशन आपको लेना है ठीक है उसके बाद बात कर लेते हैं हम एम आई आई हमारा जी जी एस आई पी कोई टी की बात करेंगे तो एम में हमारा जो है ये महाराजा अग्रसेन इसकी फीस पांच लाख के आसपास है अगर हम ब्रैंक की बात करेंगे तो वही आपका बीस से तीस हजार या फिर बहुत ज्यादा पैंतीस हजार तक सीएस वगैरह बंद हो जाती है और उसके अलावा फीस जो बाद वाली ब्रांचेस है वो आपको लगभग ढाई तीन लाख रैंक तक ये आपको मिल जाएगा स्पॉट राउंड में ठीक है स्पोर्ट इस इस लेकिन स्पोर्ट तक बच्चे वेट नहीं कर पाते हैं एवरेज पैकेज इसका भी साढ़े तीन लाख से साढ़े चार लाख के आसपास रहता है महाराज सूरजमल की बात कर लेते हैं सेम कैंपस है आईपीओ काउंसलिंग से मिलता है ठीक है और छह लाख इसकी फीस है बीटेक चार साल की उसके अलावा अगर एवरेज पैकेज की बात करेंगे तीन से चार लाख रहता है इसका काउंसलिंग का प्रोसेस भी सेम है कि ये आपको आईपीओ काउंसलिंग से मिलता है सिम्बासिस की बात कर लेते हैं सिम्बाइसिस पुणे बच्चे जानते होंगे इसके बारे में सिम्बाइसिस पुणे की फीस की बात करें दस से बारह लाख अगर आपने एमएससीडी का एग्जाम दिया एडमिशन हो जाएगा या फिर आपने इसका एग्जाम दिया है सिम्बासिस का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है या फिर आपने जयमीन दिया तो तब भी आपका एडमिशन यहां पे हो जाएगा एवरेज एवरेज पैकेज की बात कर लेते हैं चार से पांच लाख आपका सिम्बासिस का एवरेज पैकेज रहता है कैंपस लाइफ इनकी बहुत अच्छी है अगर कैंपस वगैरह देखेंगे जो बॉडी मूवी हमारी आई थी सलमान खान की उसमें आपने देखा होगा उसकी शूटिंग से माइस में हुई थी तो पुणे के अंदर है लग्जरी लाइफ है कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है एनवायरमेंट बहुत अच्छा है तो कुल मिलाकर के जिन बच्चों को कॉलेज लाइफ पे ज्यादा फोकस करते हैं जिनको कॉलेज लाइफ अच्छी चाहिए वो यहाँ पर जा सकते हैं मतलब एक फाइव स्टार होटल जैसा फील आपको यहाँ पे आएगा ठीक है अब बात कर लेते हैं यूपीएस देहरादून की यूपीएस देहरादून भी हमारा अच्छा कॉलेज है एनर्जी के लिए जो आपका एनर्जी साइंस का कॉलेज है यहाँ पर यूपीएस देहरादून हमारा उत्तराखंड का कॉलेज है बहुत अच्छा कॉलेज है यहाँ फीस बारह से चौदह लाख आपकी फीस रहती है और अगर एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो एवरेज पैकेज यहाँ भी तीन से चार लाख ही रहता है एडमिशन प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट नहीं है इनका फॉर्म वगैरह ईजिली मिल जाता है कई सारी वेबसाइट पर और इसके अलावा आप जेईमेंस के अगर रैंक दिए आपने एग्जाम दिया है तो जेईमीस में अगर आपका तीन चार लाख कोई भी अगर अटैप्ट भी किया जेईमेंस तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा हाँ सी एस नहीं मिलेगी लेकिन बाद वाली ब्रांचेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी अब बात कर लेते हैं हमारा हमारी, हमारी में है। हमारे इंडिया है। उनकी है, अच्छा है। पिछले साल, सालों में रहा है फीस इसका सत्रह लाख के आसपास है कैंपस लग्जरी है और एवरेज पैकेज इसका भी चार से पांच लाख ही रहता है जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बताते हैं कैंपस के अंदर फैकल्टी वगैरह काफी अच्छी है और लेबोरेटरी वगैरह काफ़ी अच्छी है पैसा ज़्यादा लेते हैं इसलिए थोड़ा सा जो फैसिलिटीज़ है बच्चों को बहुत अच्छी यहाँ पे मिली हुई हैं उसके बाद हमारा वी भोपाल पंद्रह लाख ,00 फीस है चार से पाँच लाख एवरेज पैकेज रहता है एडमिशन आपका इजीली हो जाएगा एग्जाम दिया है तब भी होगा नहीं दिया है तब भी होगा जयमील से भी हो जाता है और वैसे भी आपका एडमिशन आपके हो जाएगा मनीपाल जयपुर की बात कर लेते हैं पच्चीस लाख आपका फीस है बी के पूरे कोर्स की पाँच से छः लाख आपका एवरेज पैकेज रहता है उसके बाद देख लेते हैं हम लोग हमारा कैंपस में भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं अंदर बताते रहते हैं काफी सारी चीजें यहाँ पे फीस दस से बारह लाख रहती है चितकार का अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो भी आपका हो जाएगा और अगर नहीं दिया तो जेईमएस को कंसिडर ये लोग करते हैं वहां पे आपका एडमिशन हो जाएगा पिछले साल भी बच्चे यहाँ पे गए कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है और उसके अलावा गर्ल्स वगैरह भी यहाँ पे पढ़ रही हैं अच्छा बताते हैं कैंपस के बारे में 10 से 12 लाख आपकी फ़ीस रहती है 4 से 5 लाख एवरेज पैकेज बार बार बोल रहा हूँ एवरेज पैकेज को ध्यान में रखकर ही जो भी डिसीजन लेना है लीजिएगा एम यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं तो एमेट यूनिवर्सिटी में हम लोग देखेंगे अठारह लाख फीस है कैंपस इसका बहुत लग्जरी है और बहुत अच्छी सुविधाएं अंदर आपको मिलती है लेबोरेटरी अच्छी है एकेडमिक अच्छा है एलेवननाइ नेटवर्क काफ़ी अच्छा है इसका तो ये एवरेज पैकेज यहाँ पे क्या है साढ़े चार लाख से छः लाख के आसपास है एनसीआर के अंदर कॉलेज है तो यहाँ पे बाकी एक्सपोजर वगैरह बहुत अच्छे आपको मिलते हैं यहाँ पे एलपी की बात कर लेते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कैंपस इसका भी बहुत लग्जरी है एकदम फाइव स्टार होटल जैसा और फीस की बात करें ग्यारह लाख के आसपास ग्यारह से बारह लाख समथिंग आपका रहता है और चार लाख इसका एवरेज पैकेज यहाँ पे आपका रहता है एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो एलपीयू में इजीली एडमिशन हो जाता है आपने इनका अपना एक, एक टेस्ट देना है या जयमीस की रैंक को दिखाकर भी आप वहाँ एडमिशन ले सकते हो अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर लेते हैं यूपी टेक की काउंसिलिंग होती है कई बार बताया है एनसीआर की बात हो रही तो इस कॉलेज को कैसे छोड़ सकते हैं फीस की बात करें छह से सात लाख फीस रहती है साढ़े तीन लाख से साढ़े लाख एवरेज पैकेज यहाँ पे आपका रहता है यूपी टैग में बात करेंगे तो अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की तो लगभग सत्तर अस्सी हज़ार एक लाख तक सीएस के जो स्पेशलाइजेशन ब्रांच है वो मिल जाएंगे और अगर एडमिशन की बात करेंगे तो चार से पांच लाख छः लाख तक भी एडमिशन ईजीली यहाँ पर इस कॉलेज में आपका हो जाएगा एल भोपाल की बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अंदर एम की काउंसलिंग होती है उस काउंसलिंग से आपको ये कॉलेज मिलेगा जे बीमस की रैंक को कंसिडर करते हैं नहीं है तब भी आप अपना डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं फीस पाँच से छः लाख है और पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा ही कॉलेज लगभग माना जाता है इनके कई सारे कैंपस और भी हैं तीन से चार लाख आपका एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे रहता है वीआईटी पटना की बात कर लेते हैं वीआईटी मेश्रा का नाम सबने सुना होगा कई बार मैंने बताया कि वीआईटी मेश्रा जोसा की काउंसलिंग से जीएफटी की लिस्ट में आपको यह मिलता है और इसके अलावा जो इसके एक्सटेंशन कैंपस है पटना जयपुर देवगढ़ उसमें आपका वी पटना काफी अच्छा माना जाता की है फीस इसकी बारह लाख के आसपास है पाँच से छः लाख एवरेज पैकेज रहता है लगभग आप मान के चलो कि पाँच लाख तक अगर आपका रैंक आता है जेज मीनस में पांच लाख का मतलब होगा लगभग फिफ्टी फोर्टी टू फिफ्टी परसेंटेज अगर आपका आ रहा है इजिली आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा कैंपस बहुत बड़ा नहीं है लेकिन अच्छे कैंपस है ये और डिग्री आपको वी आई ही देगा जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो डिग्री आपको वी आई ही देगा तो यहां पे आप हम बात कर लेते हैं एसआरएम गाजियाबाद एसआरएम गाजियाबाद और एसआरएम सोनीपत दो कैंपस हैं पंद्रह से बीस लाख आपकी फीस रहती है ब्लॉग वीडियो बनाया हुआ है आप देख सकते हैं उस पर जाकर के और एवरेज पैकेज की बात करेंगे तीन से एवरेज पैकेज की बात करेंगे तीन से चार लाख एवरेज पैकेज रहता है कैंपस अच्छा है लेबोरेटरी अच्छी है काफी सारी चीजें आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे ये थे हमारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि आपको मिल जाएंगे अगर आपका परसेंटाइल लो भी होता है अगर अस्सी परसेंटाइल सत्तर परसेंटाइल किसी बच्चे का आ रहा है परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर वो अफोर्ड कर सकती है उनकी फैमिली यहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हो जा सकते हो प्लेसमेंट वगैरह को ध्यान में रखकर ही कॉलेज ऑफ करें बच्चों जितने भी इस बार एग्जाम दे रहे हैं जेईमी का इसके अलावा हम लोग जिस पर फोकस करते हैं वो ये है कि जितने भी बच्चे जेईमएंस का एग्जाम देने जा रहे हैं एक कॉलेज के लिए जेम एन्स का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जिसमें आपके जीएफट हैं आई आई टीज है एनआईट है

एडमिशन प्रोसेस में कहीं दिक्कत कहीं पे आती है हमारी टीम से आप बात कर सकते हो इसके अलावा काउंसलिंग 2023 में जो आपकी होने वाली है उसको बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दीजिए सेमिनार बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं सेमिनार सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए दोस्तों को शेयर करिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ तब तक धन्यवाद थैंक यू वेरी मच